नमस्कार, जिस बिहार देख रहे हैं आप, प्रियासना आपके साथ है। हमें पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट अभी नया नया बनकर शुरू हुआ और बिहार को एक और बड़ी सौगात मिली, लेकिन अब वहां के लोगों में आशंका जो है वो उत्पन्न होते जा रही है। उसके पीछे का रीज़न है कि वहां लगातार विमानों का रद्द होना। ऐसे में वहां के लोगों का क्या कहना है, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको बताएं कि लोगों का यह भी मानना है कि यहां का जो अमाउंट है वो निर्धारित होना चाहिए। कभी कुछ अमाउंट लगता है, कभी कुछ अमाउंट लगता है। साथ ही साथ दिन में तो उड़ानें भरी ही जानी चाहिए और रात्रि सेवा भी जो है वहां शुरू करनी चाहिए। आगे क्या लोग कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमें यहां बहुत उपलब्धि महसूस हो रही है, जो हमारे बिहार दरभंगा में एक न्यू एयरपोर्ट मिला है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। बहुत आसानी तरीके से हम पहुँच जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाना हो बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे जिस तरह से जहाज हमारे जो एयरपोर्ट है वो कैंसिल हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हमें पहुँच जाना पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैं अपनी सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि और इस अदर स्टेट की भी हमें समस्या दी जाए, जैसे केरल, तमिलनाडु, इन सब के लिए भी दी जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, दूर जाना होता है, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इस सब में जाने के लिए बहुत सारी समस्या होती है। तो मैं अपने सरकार से, अपने बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि बहुत सारी परेशानियों के चक्कर हमें और ज़्यादा फ्लाइट दी जाए। अभी लगातार देखा जा रहा है कि कई फ्लाइटें, कई उड़ाने को रद्द किया जा रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्या आपको लग रहा है इससे? इससे हमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे जाना था दिल्ली, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि उस दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, जैसे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि वो और ज़्यादा फ्लाइट दे और फ्लाइट को कैंसिल ना होने दे, सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे नीतीश कुमार जी खास करके इन बातों पर गौर करें। दूसरी बात एक ये भी है कि अगर एक दिन में अगर एक फ्लाइट का एक कीमत 4 से 5 हज़ार रुपया है, अगर 2-3 दिन के बाद अगर फिर पुनः फ्लाइट मैंने आप सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है, उसकी सीट की कीमतें बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे गरीब आम आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि कहाँ जाना हो तो उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। टिकट का इतना हाई रेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नीतीश कुमार जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रेट, इसका प्राइस कम होना चाहिए टिकट की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने आपका कहना है कि अगर कीमत बढ़ती भी है तो एक संतुलित, इसका संतुलित होना चाहिए, एक संतुलित टाइम पर प्राइस किया जाए। इसका नाम बताइए। नाम हमारा मोहम्मद शाहिद। ये जो हवाई सेवा शुरू हुआ है दरभंगा से, कैसी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। बाहर से आने के बाद जो है आदमी को ज़्यादा भाड़ा लगता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए तो सरकारें करेगी ना, सरकारें करेगी इसके लिए ना। मैंने आप कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस पर निरंतर प्रयास करके प्रयास करें, जो लगातार हम लोग को कष्ट नहीं हो। देखिए, यहाँ जो हवाई सेवा अभी 2 महीना से चालू हुआ है, ये इस उत्तरी भारत के 7-8 जिलों को बहुत बड़ा सौगात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि हमारे इस क्षेत्र में हवाई जहाज़ का सेवा दिया, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ख़ासतौर से दरभंगा वासियों के लिए। एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ से उड़ान का फ़ायदा लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कि ये शिकायत है कि यहाँ किराया बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है जेट एयरवेज के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ कुछ और फ्लाइटें हो, जैसे एयर इंडिया हुआ, किंगफिशर हुआ, या बहुत सारी ऐसी उड़ानें हैं, अगर वो यहाँ आती है तो किराए में गिरावट हो सकता है, समझे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ रात्रि सेवा जहाज़ की उड़ने की नहीं है, इस कारण से भी मतलब दिक्कत हो रहा है। अगर रात्रि सेवा होगी तो बहुत सारे स्टेट के लिए और भी जो है फ्लाइट होगी, सो व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ। सरकार को चाहिए कि इतना कुछ किया है हम लोगों के लिए, कम से कम ऑल ओवर 24 आवर जो है जहाज़ का आवागमन का व्यवस्था कराया जाए हम लोगों के लिए। तो आपने देखा कि दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर वहाँ के लोगों की क्या राय है और क्या बातें हैं। आशंका जो है वो ज़रूर उनके मन में देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार विमानों को रद्द किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट से जुड़ने के लिए। मनोज झा हमारे रिपोर्टर ने इस रिपोर्ट को भेजा था, और आप और भी जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फेसबुक पर जाएँ, वहाँ भी हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें।